शो इश्क में मरजावा में वंश और रिदमा के बीच आ चुके हैं कबीर। रिदमा के इश्क का दी एंड करने की प्लानिंग में लग चुके हैं कबीर। तो दूसरी ओर वंश ने रिदमा के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए घर में रागिनी का किया श्राद्ध और रिदमा का साथ लेकर रागिनी की बनाई मूर्ति को तोड़ दिया। रिदमा है शॉक्ड और कंफ्यूज भी कि रागिनी के जिंदा होने के बावजूद वंश ये सब क्यों कर रहा है। पर जब रिदमा को एहसास हुआ कि वंश ये सब अतीत को भुलाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत रिदमा के साथ करना चाह रहा है, तो रिदमा ने भी दिया वंश का साथ। अब बीआर मेंशन में ढोल बाजे के साथ करवा चौथ की रस्म का ऐलान किया दादी और आंगरे ने। इस बार रिदमा और वंश का होगा पहला करवा चौथ। अब करवा चौथ का व्रत रखेगी रिदमा अपने वंश के लिए, पर कबीर ने रिदमा को मिलने बुलाया है। कबीर भी चाहते हैं कि रिदमा उनके लिए व्रत रखे। अब रिदमा कबीर को मिलकर ये बता देंगी कि वो वंश के लिए ये व्रत रखेगी और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत वो वंश के साथ ही करना चाहती है। अब देखते हैं कि कबीर कैसे रिदमा के इश्क को खत्म करने की क्या नई प्लानिंग करेंगे। और इसी के साथ करवा चौथ की फेस्टिवल में, इस त्योहार में रिदमा के सामने कौन से नए वंश के राज आ जाएंगे, जिसकी वजह से रिदमा को लगेगा कि वंश है गुनेगार, या फिर ये कहीं कबीर की तो चाल नहीं कि रिदमा के नजरों के सामने वंश को गुनेगार साबित कराना। कुछ भी हो सकता है, आने वाला ट्विस्ट काफी जबरदस्त है। जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।